गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना एक दूसरा अन्य टॉपिक कारक। कारक क्या होता है ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट एक बार फिर हम इस टॉपिक को लेते हैं क्योंकि ये अधिकतर इससे संबंधित अभ्यास कार्य आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। तो कारक क्या है? संज्ञा का एक विकार है कारक, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। जैसे यहाँ पे दो वर्ग दिखा रखे हैं आपको, क और ख। क वर्ग है बालक पुस्तक पढ़ी, बालक पुस्तक पढ़ी, बालक ने पुस्तक पढ़ी, माली ने पौधा सींचा, माली ने पौधा सींचा, माली ने पौधों सींचा। यह क्या है? माली ने पौधों को सींचा। मेज, मेज पुस्तकें रखी हैं, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। सुशीला बेटा बीमार है, सुशीला का बेटा बीमार है। अब आपने देखा होगा यहाँ एक तरफ जो क वर्ग है, इस वर्ग के अंतर्गत जितने भी वाक्य लिखे गए हैं उनका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें किसकी कमी थी? वहां पे ने की कमी थी, को दूसरे वाक्य में, को तीसरे वाक्य में, पर और सबसे अंतिम और चौथा वाक्य था हमारा जिसमें का की कमी थी। इस प्रकार से यानी कि वाक्यों में ने, को, पर, का इनके ना होने पर जो वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता, अर्थात ये क्या होते हैं जिनसे हमें वाक्य पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है? ये होते हैं आपके कारक की विभक्तियां। इन्हें हम कारक की विभक्तियां कहते हैं। ये विभक्ति होते हैं अर्थात कारक होते हैं, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं पहले, यहाँ पे देखिए, उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि क वर्ग के वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि ख वर्ग में क्रमशः ने, को, पर, का के प्रयोग से अर्थ भली भांति समझ में आ रहा है। इन चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है क्योंकि ये वाक्य में आए शब्दों के संबंध को स्पष्ट करते हैं। ये चिन्ह विभक्तियां या कारक चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? या तो कारक चिन्ह कहते हैं इनको, या फिर कारक की विभक्तियां कहलाते हैं, ठीक है बेटे। कारक की विभक्तियां और कारक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। कारक की विभक्तियां या फिर कारक चिन्ह जब भी, अच्छा एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो भी वीडियोज आप यूट्यूब पे देख रहे होते हो बेटे, केवल यूट्यूब पे देख के वीडियो को सीखना एक काम, और दूसरे इसी को किताब के माध्यम से पढ़ना भी। जिसके पास किताब अभी अवेलेबल आपके पास नहीं हुई है, नो प्रॉब्लम, अभी आपको बुक्स नहीं मिली है, तो आप एक काम कर सकते हो, आपको स्नैपवर्क पे इसी अध्याय की फोटो सेंड की जाती है ताकि आप वहां से अच्छे से एक बार और इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इसकी वीडियोस देखो, सो दैट आपको आपका जो 90% है वो कवर हो जाए। अब बचा जो 10% वो कब कवर होगा? वो तब कवर होता है जब उससे संबंधित आप अपना अभ्यास कार्य करते हो, क्योंकि जब तक आप खुद से करके नहीं देखते हो आपको नहीं पता चलता आपको कितना आया है। हिंदी में ये मत समझिए कि केवल हिंदी पढ़ ली याद हो गया आ गया, ना, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा पार्ट होता है हिंदी का जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है आपको वो कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी आपको अध्याय, और ये वाला अध्याय मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, आपको बेसिक में मैंने पहले ही संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक करवाए हुए हैं। आप सबसे पहले की बेसिक वाली जो क्लासेस में थे ये टॉपिक वहाँ है, आप वहाँ से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, अच्छे से देखिए दो बार, तीन बार, चार बार, उसके बाद फिर जो भी ये करवा रही हूँ इसको देखिए, क्योंकि आपका बुक वाला एक टॉपिक है पूरा,
है तो वो भी कैसे भी, चाहे यहाँ से पढ़ो चाहे वो वाला पढ़ो, चाहे पहले वाली क्लास का है चाहे ये वाली क्लास का है, सेम ही होगा। थोड़ा सा फर्क हो जाता है, बस लैंग्वेज में फर्क होता है तो कारक ही, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये चाहती हूँ कि जो आप अपना अभ्यास कार्य कर रहे हो वो आपकी पुस्तक का अभ्यास कार्य हो जाए, ताकि आपकी रिवीजन उसके अनुसार ही हो, ठीक है। लेकिन सभी बच्चे यहाँ से यूट्यूब पे वीडियोस देखने के साथ साथ स्नैप वर्क पे अध्याय को ज़रूर पढ़ा करें। अगर आप नहीं पढ़ोगे और आप सोच रहे हो अरे वीडियोस तो ब्लर हो रही है, अरे वीडियोस तो हिल रही है, ऐसे ऐसे बहानों को बनाकर माइंड में लेकर चलने से अच्छा है बेटे कि ये इसके साथ साथ आप अपना और अधिक एफर्ट्स कीजिए पढ़ाई को लेकर। आप स्नैप वर्क पे बुक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे आपको ऑलरेडी वो चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ पढ़ो, यूट्यूब की वीडियोस देखो, फिर अभ्यास कार्य भी आपको स्नैप वर्क पे दिया जाता है, उनको सॉल्व करो। आपको वीडियोस इसलिए प्रोवाइड की जा रही है सो दैट आपको यहाँ हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए YouTube पे, उसके बाद उसी अध्याय को दोबारा से खुद से पढ़िए। आपको जहाँ डाउट हो रहा है फिर आप बॉक्स इनबॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो कि मुझे मैम यहाँ इस वाले टॉपिक में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब तक आप लोग अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा आपको कितना आया और कितना नहीं, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान देना है। चलिए मैं अब आगे बढ़ती हूँ, एक बार दोबारा से इसको मैं पढ़ रही हूँ, मैं दोबारा से समझिए। कारक क्या होता है? कारक वह है जिसमें जिसके अनुसार कोई भी वाक्य पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो विभक्ति होती है। जैसे ने बालक पुस्तक पढ़ी, क्या कुछ तो समझ में आया इस वाक्य में? नहीं आ रहा। बालक ने पुस्तक पढ़ी। सुशीला बेटा बीमार है। सुशीला बेटा, उसका नाम सुशीला है? नहीं, ये वाक्य गलत है। तो इसे वाक्य सही कैसे होगा? सुशीला का बेटा बीमार है, समझ रहे हो। तो कारक क्या होता है? वो विभक्ति होती है जो पूर्ण रूप से किसी भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने में सहायक होती है, ठीक है। फिर दोबारा से पढ़ रही हूँ मैं। उपरोक्त तो वाक्यों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि क वर्ग के वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि ख वर्ग में क्रमशः ने, को, पर, का के प्रयोग से अर्थ भली भांति समझ में आ रहा है। इन चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है क्योंकि ये वाक्य में आए शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करता है। ये चिन्ह विभक्तियां या कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा, यहाँ से आपको ये वाली परिभाषा लिखनी है आपको, जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है क्रिया या सर्वनाम का वह रूप क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं। तो उसका संबंध किससे पता चल रहा है? क्रिया से। जैसे उस बालक ने क्या, बालक तो संज्ञा है, बालक का संबंध और संज्ञा सर्वनाम, ये भी संज्ञा है पुस्तक, इसका संबंध मैंने क्रिया से दिखाया है, बालक ने पुस्तक पढ़ी। तो कौन दिखा रहा है? बालक ने, बालक क्या है? संज्ञा है। तो उस संज्ञा का संबंध मैंने क्रिया से दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया? ने का। माली और पौधों क्या है? संज्ञा है। सींचा, सींचने का काम कर रहे हैं, माली ने पौधों सींचो, सींचा। नहीं, गलत है, माली ने पौधों को सींचा, को। तो इस प्रकार से कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है कारक कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए कारक के भेद। हिंदी में 8 कारक होते हैं, ध्यान रखने हैं। ये तो वैसे आपको पहले भी आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, ये 4th से ही शुरू हो जाती है कारक की चीजें। तो कारक के 8 भेद उस कक्षा में भी बच्चों को बता दिए जाते हैं। तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि 6th 7th 8th में जितने भी विद्यार्थी होते हैं इस कक्षाओं में, उनको कारक को उनकी कक्षा के हिसाब से इस अध्याय को बताया गया है, ठीक है। आप देखिए आगे किस प्रकार से कारक के 8 भेद हैं। नंबर पहला, एक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक,
संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये सारे क्या है? कारक हैं जो बने हुए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण ने पर, संबोधन हे अरे। ये जो मैंने इनके साथ में बोली वो क्या थी? जो मैं इनके साथ में बोल रही थी वो थी उनकी विभक्तियां, जो अभी आपने ऊपर पढ़ी है इस वर्गों के आधार पर। ठीक है, ये अभी आगे पढ़ोगे इसके बारे में। यहाँ देखिए, कर्ता और वाक्य। कर्ता क्रिया को करने वाला होता है। कर्ता क्या होता है? कर्ता, जैसे आप, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो इस समय मैं करता हूँ, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़ रहे हो तो उस समय आप हो। ठीक है, कर्ता। वैसे अगर आप पढ़ रहे होंगे मेरी वीडियोस अभी से, अभी पढ़ रहे होते, अभी मैं पढ़ा रही होती, तो आप उस समय कर्म होते, क्योंकि आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। मेरे काम करने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? आपके ऊपर पड़ रहा है। तो कर्ता होता है जो क्रिया को करने वाला है। कर्म कौन होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव अथवा फल पड़े। ठीक है, फल पड़ने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आम सेब के लिए आपके सर भी आगे पड़ गए। यहाँ पे ये मतलब है कि क्रिया का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा था। जो काम मैंने किया है उसका जो भी इफेक्ट है, जो मैं समझा रही हूँ, वो आपको अर्थ समझ में आए, अर्थात उसका फल। क्योंकि आधे बच्चों को तो कुछ और ही समझ में आ जाता है ना। जिस पर क्रिया का प्रभाव अथवा फल पड़े, रिजल्ट, जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो कर्म कहलाता है। करण, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, करण कहलाता है। करण कारक होता है बेटा, जिससे क्रिया संपन्न होती है। क्या था भाई? ये काम हो गया, क्रिया हमारी संपूर्ण होती जा रही, संपन्न हो रही है वो क्रिया। जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, करण कारक। बालक ने चित्र बनाया, राम निबंध लिख रहा है। ठीक है, बालक ने चित्र बनाया, बच्चा राम निबंध लिख रहा है। वह कार से विद्यालय जाता है। इसमें से विभक्ति होती है क्योंकि इसमें क्या है, साधन का प्रयोग किया जाता है। उसमें कौन से साधन का प्रयोग किया है? विद्यालय जाने के लिए कार का। ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव और फल पड़े, राम पर पड़ रहा है। राम क्या कर रहा है? निबंध लिख रहा है। तो यहाँ पे निबंध पर क्या काम कर रहा है वो? किस पर प्रभाव पड़ रहा है? निबंध पर, निबंध लिख रहा है वो। ठीक है, राम निबंध लिख रहा है। बालक ने चित्र बनाया, बालक ने। आगे देखिए, संप्रदान, जिसके लिए क्रिया संपन्न हो, अर्थात जिसके लिए काम किया गया हो। जैसे माँ ने बच्चों के लिए भोजन बनाया, तो माँ ने काम किया किस चीज का? भोजन बनाने का, खाना बनाने का। लेकिन माँ ने वो भोजन किसके लिए बनाया है? बच्चों के लिए। तो माँ ने बच्चों के लिए भोजन बनाया। अपादान, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो। अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया है, गिर गया है। शर्ट का बटन टूट जाना, टूट कर जमीन पर गिर जाना। अब वो क्या हो गया? जमीन पर गिर गया है, शर्ट से अलग हो गया है वो बटन। समझ में आया? यानी कि कोई चीज जब तक उसके साथ में थे उससे अलग हो जाए। जैसे मेज पे ये पुस्तक रखी थी, मेज से पुस्तक गिर गई, तो पुस्तक क्या हो गई? मेज से अलग हो गई है। ठीक है, अपादान, जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे आप ध्यान देखिए, माँ ने बच्चों के लिए भोजन बनाया। माँ ने किसके लिए भोजन बनाया? बच्चों के लिए। गंगा हिमालय से निकलती है, कहाँ से निकलती है? हिमालय से। संबंध, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध बताने वाला। मेरे भाई का घर मयूर विहार में है। ठीक है, संबंध, संबंध बता रहे हैं हम, तो मेरे भाई का घर मयूर विहार में है। भाई का, बहन का, मित्र का, रमेश का, यह रमेश की गाड़ी है, रमेश की। यह सुरेश का पेन है, सुरेश का। ये अध्यापिका की पुस्तक है, अध्यापिका की।
तो अर्थात जब हम संबंध बताते हैं किसी वस्तु का किसी व्यक्ति के साथ, तब वहां पर हमारा संबंध कारक होता है। ठीक है, आगे देखिए। अधिकरण कारक, जिससे क्रिया के स्थान या आधार का ज्ञान हो। क्रिया के स्थान और आधार का ज्ञान होता है, जैसे मछली पानी में रहती है, मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। जिस पद द्वारा संज्ञा को संबोधित किया जाए, अरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। संबोधन, जिस पद द्वारा संज्ञा को संबोधित किया जाए, जैसे संज्ञा को बता रहे तुम, संज्ञा कौन है यहाँ पे, बच्चों। अरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, अरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। जो अरे बच्चों मैंने यहाँ पे बोला संबोधन है, हम बच्चों को बोल रहे हैं कि आप ध्यान से सुनो। इसी प्रकार अधिकरण बोला है, जिससे क्रिया के स्थान आधार का ज्ञान हो, जैसे मछली पानी में रहती है। ठीक है, मे पर, मे बमार, पानी में। ठीक है, यहाँ पे आता है इन कारकों के कारकीय चिन्ह या परिसर इस प्रकार है, कारक का नाम और विभक्ति चिन्ह। ठीक है, कारक का नाम और विभक्ति। कर्ता, ने, से, को, के द्वारा, शून्य। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, के साथ, साधन के रूप में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए या को, संप्रदान के लिए। अपादान से मतलब अलग होना है यहाँ पे, अपादान से। संबंध का, के, की, रा, रे, री, संबंध कारक। अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। ये आपको पूरी की पूरी टेबल जो है याद करनी है। अब इस टेबल को आपको याद करना है, इसमें जितने भी कारक के नाम बता रखे हैं और ये विभक्ति बता रखी है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रारे, री, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि सभी कारक केवल संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में होते हैं और उनके साथ विभक्ति चिन्ह जोड़कर क्रिया से उसका संबंध पता चलता है। जैसे हमने खाना खाया, किसने खाया, उत्तर हमने, क्या खाया, खाना। पिताजी फल लाए, कौन लाए, पिताजी। क्या लाए, फल लाए। ठीक है, फल। इस प्रकार से क्या पता चल रहा है कि जिससे इसमें स्पष्ट है कि सभी कारक केवल संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में होते हैं और उनके साथ विभक्ति चिन्ह जोड़कर, विभक्ति चिन्ह जोड़कर हम क्या करते हैं, विभक्ति चिन्ह जोड़कर क्रिया से उनका संबंध पता चलता है। जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, तो किसने खाया, हमने खाया, हमारी बात हो रही है, सर्वनाम की बात हो रही है, ये क्या खाया, हमने खाना खाया। ठीक है, इस प्रकार से इस संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनके साथ विभक्ति चिन्ह जोड़कर ही हमें अर्थ पता चलता है, वाक्य का सही अर्थ भी बताने के लिए कारक ही सहायक होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन वाक्यों में आए सभी संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से होने के कारण ये कारक है। इस प्रकार स्पष्ट है इन वाक्यों में आए सभी संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से होने के कारण ये क्या है, कारक है। अब आता है अपवाद। अपवाद भी ध्यान से समझिए, संबंध कारक और संबोधन ये दोनों इसके अपवाद हैं, जिसका संबंध क्रिया से ना होकर वाक्य के दूसरे शब्दों से होता है। जैसे मेरे भाई का घर बहुत सुंदर है। संबंध कारक और संबोधन ये दोनों अपवाद हैं, इनका संबंध क्रिया से ना होकर वाक्य के दूसरे शब्दों से होता है। जैसे दूसरे वाक्य कैसे, मतलब मेरे भाई का घर बहुत सुंदर है, ये मैंने वाक्य लिया, मेरे भाई का घर बहुत सुंदर है। दूसरा वाक्य है, हे बच्चों शोर मत मचाओ। इन वाक्यों में मेरे मेरे का संबंध किससे है, भाई। मेरे कौन, भाई।
मेरे का संबंध भाई से, और भाई का संबंध किससे? घर से है, भाई का घर, तो भाई का संबंध किससे? घर से है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही संज्ञा सर्वनाम का संबंध केवल एक ही कारक से हो या एक ही किसी अन्य वस्तु से हो। कई बार यहाँ पर वाक्य में एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से भी संबंध हो सकता है, पर आपको समझना है ये। मेरे भाई का घर बहुत सुंदर है, किसका संबंध है? मेरे का, किससे? भाई। फिर आता है भाई का संबंध घर से है, भाई का संबंध घर से है। इसी प्रकार बच्चों को संबोधित कर सावधान किया गया है, इसी प्रकार बच्चों को संबोधित कर सावधान किया गया है। कर्ता कारक, भाई कर्ता कारक सबसे पहले ये दोनों संबंध समझ में आ गए होंगे। अब इसी प्रकार बच्चों को संबोधित, ये रहा, बच्चों को संबोधित कर सावधान किया गया है। आगे अन्य वो पढ़ेंगे हम एक एक करके, कौन कौन से कारक हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, जितने भी आपने यहाँ पढ़े हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सारे कारक हम एक एक करके पढ़ेंगे। बट उससे पहले अभी यहाँ तक का जितना भी है सारा अच्छे से रिवाइज करना ही है, उसके बाद में करेंगे। पहले इससे संबंधित अभ्यास देखो। ये देखिए यहाँ पे, ये तो आप देख ही लोगे कि किस प्रकार संप्रदान कारक कौन सा है। संप्रदान कारक में किस पर प्रभाव पड़ता है, यदा सोच के अपने आप से आंसर करोगे। अधिकरण कारक का किस पर प्रभाव पड़ता है, उससे क्या हमने सीखा है। अपादान कारक कौन सा होता है, किसी वस्तु से अलग होने के लिए होता है कि पास आने के लिए होता है। कर्म कारक क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है या फिर कर्म करने वाला होता है, ये आपको बताना है। अब नीचे देखो क्या लिखा है, वाक्यों के रंगीन शब्दों के कारक का नाम बताना है। जैसे प्रेमचंद प्रसिद्ध कहानीकार थे, यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो कौन सा कारक होगा वो बताना है आपको इसके अंदर। दूसरा देखिए, वह कुर्सी पर बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है, तो कुर्सी पर, कुर्सी पर यहाँ पे कौन सा कारक आएगा, जरा सोचना है आपको, वो बताना। कुर्सी पर बैठा है। यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान दिए, यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान दिए। नचिकेता को मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर कभी आपको ऐसा लगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो विभक्ति याद रखनी है। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये सारा जब आप याद कर लोगे, आठों के आठों कारक की विभक्तियां, तो आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन फिर भी अब इसको रिवाइज करना है आपको। नर्स ने रोगी को दवाई दी, दवाई कौन सा कारक आएगा वो बताना है। राम का भाई बीमार है, राम का संबंध किससे है, उसके भाई से है ना। राम का भाई बीमार है, तो कौन सा कारक है वो लिखना है। वह परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पर किसके लिए पढ़ाई कर रहा है, परीक्षा के लिए। तो वह परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कौन सा कारक है। इतना आपको ये पूरा करना है। आगे देखिए, ये आपका होमवर्क है जो आपको पूरा करना है। ये होमवर्क, ये भी आपको होमवर्क में है, ये आप पूरा करके रखोगे। जब तक मैं दूसरी क्लास लूंगी, आपका इतना काम पूरा हो जाना चाहिए, फिर हम आगे अन्य कारकों के बारे में पढ़ेंगे। एक और देखो यहाँ पे, ये वाला, निम्नलिखित अनुच्छेद के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित परसर्गों से कीजिए। यानी कि आपको सही विभक्ति का प्रयोग करना है यहाँ पे। दिल्ली देश डैश, दिल्ली देश डैश राजधानी है, यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा, दिल्ली देश की राजधानी है। इस महानगर, यहाँ पे खाली स्थान, एक स्थान, तो यानी समझ गए किस प्रकार से यहाँ पे विभक्तियों का प्रयोग करके आपको ये खाली स्थान पूरा करना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों के सही कारक पर चिन्ह लगाना है, ये भी आपका होमवर्क मिल जाएगा। यानी कि आपको तीसरा और चौथा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 आपको पूरे करने हैं। देखो आगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संसार से चले गए, कौन सा कारक होगा वो बताना इन तीनों में से। उसी प्रकार बालक ने निबंध लिखा,
कर्ता कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक, जो भी होगा आप उस पे इसको सही चिन्ह लगाओगे। कौन सा है? बालक ने निबंध लिखा, मेरे विद्यालय में कल उत्सव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे है? मेरे विद्यालय, मेरा है जो लाल कलर से हो रखा है, तो मेरे विद्यालय में कल क्या होगा? उत्सव होगा। तो कौन सा कारक आएगा ये देखना है। इस प्रकार से इसको समझ के इसको जब तक अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके रखना है इस काम को। ठीक है, और फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, देन यू कैन आस्क टू मी और यू कैन गिव एनी मैसेज ऑल्सो। ओके, सो सभी बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी आपको ये करवाए गए हैं प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में करोगे अच्छे से। और ये मैं फिर कह रही हूँ, इस पूरे पाठ का जो भी अध्याय है ये आपको स्नैपर पे मिल जाएगा। स्नैपर पे एक बार आप दोबारा पढ़ोगे यूट्यूब की वीडियो देखने के बाद, ठीक है, या फिर आप पहले वहाँ पे अध्याय पढ़ सकते हो फिर यूट्यूब पे वीडियो देखो, तब ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके बच्चे, धन्यवाद।